दोस्तों नमस्कार, स्मार्ट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हैं, स्मार्ट इंस्टीट्यूट। इसका मींस हमारा जो हमारी कोचिंग क्लासेस हैं, कॉलेजेस हैं, जो पैकेज सिस्टम में पढ़ाते हैं, यानी ट्यूशन टाइप में पढ़ाते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, कंप्यूटर की क्लासेस हैं, कोर्सेज हैं, नर्सिंग हैं, बीएससी नर्सिंग हैं, यानी जितने भी डिग्री और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए हमारे स्मार्ट इंस्टीट्यूट सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लेके आई है नैन टेक्नोलॉजी, नैन सॉफ्टवेयर कंपनी। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं स्टेप बाई स्टेप। हमें फंक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में नहीं बताएंगे, शॉर्टली बताएंगे। आज लॉन्च कर रहे हैं इसको, फिर धीरे धीरे आपको इसके वीडियो आगे मिलते रहेंगे। जैसे जैसे मार्केट में रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम आपका नए नए वीडियो आपको स्टेप बाई स्टेप बताते रहेंगे। तो स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट मैनेजमेंट में सबसे पहले हमने यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म बनाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल ए के साथ हमने इंक्वायरी फॉर्म में हमने बहुत सारे मेन्यू दिए हुए हैं, न्यू प्रिंट ये स्मार्ट। सबसे पहले न्यू होता है यानी हमारे पास इंक्वायरी आती है सबसे पहले, तो हमने इंटर किया, यहाँ से इंक्वायरी नंबर जनरेट किया या कोर्स, यानी सबसे पहले हमें क्या कोर्स बनाने पड़ते हैं कि कौन कौन से अपन लोग कोर्स करा रहे हैं, आपको कौन कौन सा कोर्स करना है आपको। तो यहाँ से आप कोर्सेस खोल लेते हैं, जैसे आपका कोई भी कोर्सेस हो सकता है, बीए का पूरा आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो बीए कोर्स की फीस रख दी आपने, जैसे फॉर एग्जांपल 4000, ठीक है। और आपको एनुअल लेना है या मंथली लेना है, प्लान भी है आपका, आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो ये आपका फी एड हेड एक ऐड हो गया। तो यहाँ से हमारे स्टूडेंट आया किस कोर्स का करेगा, बीए का कोर्स करेगा, उसका नेम डाल देते हैं जैसे राम कुमार, आपने उसका वाइफ और फादर डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा मेंटेन कर सकते हैं, गर्ल से तो वो टिक लगा सकते हैं वैसे। और ये इसका फ़ोटो है अगर हमारे पास, तो इसका फ़ोटो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये फीचर्स भी हमने इसको बहुत ही आसानी से दिया हुआ है, यहाँ फ़ोटो आ जाएगा आपका। और उसका नेट कोर्स का हमारा चार्ज क्या है, यानी बीए का कोर्स करा रहे हैं उसका चार्ज, आपने जैसे इंटर किया यहाँ से एड्रेस को इंटर किया, ये सारा इंटर कर फ्रेंड भाई किसके थ्रू आया है, उसका टाइमिंग पीरियड क्या है, टाइमिंग सिस्टम भी डाल सकते हैं आप इसमें। और यहाँ पे कोई कोर्स की आपकी फ़ी है कम्प्लीटली वो कितनी है, जैसे 4000 रुपये फीस है उसकी कम्प्लीटली, डिस्काउंट हमने जैसे 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया तो 45 रुपये उसका कोर्स फीस बन गया। और रिमाइंडर फॉर्मेट दे रहा है, मार्क्स के बारे में कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। तो ये सारा आप ऐड करने वाली हमारी इंक्वायरी फिलअप हो जाती है। जब हमारी इंक्वायरी फिलअप हो गई इसमें के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर, फिर कभी भी बंदा आता है हम उसको SMS कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर आप आए थे हमारे यहाँ कोर्स के लिए और फिर क्या हुआ आपने कोर्स के लिए अप्लाई नहीं किया, तो डेली का हम यहाँ से SMS रिमाइंडर भेज सकते हैं उसको। तो ये देखो उसका फीस कोर्स जितना भी हमारा इंक्वायरी हुई थी वो आ गई। और यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हैं पेंडिंग और सक्सेसफुल, जो इंक्वायरी सक्सेसफुल हो जाएंगी वो इंक्वायरी चाहिए या पेंडिंग वाली चाहिए तो वो आपको लिस्ट से मिल पाएगी, रिमाइंडर से आपको इसका रिमाइंडर भी आया, तो रिमाइंडर से आपको कौन कौन किस डेट से किस डेट तक की रिमाइंडर आपको चाहिए, पेंडिंग कौन सा चाहिए, सक्सेसफुल कौन सा चाहिए, तो वो सारा आपको पेंडिंग सक्सेसफुल का आपका ये आप इसको देख सकते हैं, तो वो सारा आपका मेंटेन हो पाएगा इससे। और इसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ये तो इंक्वायरी हो गई, उसके बाद एडमिशन के लिए बंदा आता है, तो एडमिशन के लिए क्या है उसको ऐड किया, न्यू किया, आप देख पा रहे हैं जैसे हमने एडमिशन नंबर डाला कि गेट इंक्वायरी, यानी ये जो हमारी इंक्वायरी अगर इसके आई है उस वो ही बंदा आया है, तो हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखो जितनी इंक्वायरी आई वो सारी लिस्ट आ जाएगी। तो इसमें बेनिफिट ये है कि जो इंक्वायरी आई है उसको हमें फिर दोबारा से यहाँ फीड नहीं करना है, उसको डबल क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली वो फीड हो जाता है, उसका हमें पता भी चलता है इसका इस रेट से हमने बात किया था उसका। तो ये सारा सेव उसका रोल नंबर यहाँ जनरेट कर सकते हैं और उसका पूरा और भी कुछ टाइप करना है तो वो टाइप करके इसको विद इन सेकेंड में इसको सेव कर सकते हैं। तो इंक्वायरी आई थी, इंक्वायरी के बाद हमने एडमिशन कर लिया। अब क्या होता है बंदा अब अटेंडेंस, डेली का अटेंडेंस लगाना है उस बंदे का, हमको कौन कौन आ रहा है आज की डेट में, बीए के जो कोर्सेज़ हैं कौन से बैच के कोर्सेज़ हैं, तो ऑल बैच के कोर्सेज़ आपने
तो बस अटेंडेंस में प्रेजेंट अब्सेंट लगाना होता है, इसको टिक करना होता है, और टिक करने के बाद इसको हमने यहाँ से डायरेक्टली प्रेजेंट के SMS भेज सकते हो, सेंड का SMS भेज सकते हो उसको बंदे को, तो यहाँ से बस सेव करना होता है, तो वो ऑटोमेटिकली बंदे सेव हो जाते हैं ये। और इसके बाद हमारा प्रेजेंट अब्सेंट के बाद हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमारा एंट्री, हमारे इंक्वायरी हो गई हमारी, स्टूडेंट एडमिशन हो गया, अटेंडेंस हो गया, यहाँ पे हमने देखो बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट इशू करना है, ठीक है, री एडमिशन है किसी का, ये आपका आपका पेमेंट रिसीव का है, कोई भी रिसीव करना है किसी का पैसा, तो अपने यहाँ पे रिसीव भी कर सकते हो। और हमने थोड़ा आपको अभी बताया कि एडमिशन तो हमने कर लिया, लेकिन इसमें हमने एक सुविधा और दी हुई है, वो आप देख पा रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी दिया है, अगर आप बंदा एक बार में नहीं देता है तो इंस्टॉलमेंट भी दे सकता है। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में आपको ये पूछेगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कितने इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है, आपने कहा मेरे पाँच इंस्टॉलमेंट सर दूंगा मैं, तो पाँच के हिसाब से उसने अपना फर्स्ट EMI इंस्टॉलमेंट कितने की देनी है उसको, तो जो भी इसकी फीस है उसको इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर देगा, तो आपका उसका जो फ्रिक्वेंसी रहेगी आपका एक वन डे में रहेगी या कितने दिन बाद उसका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आए, तो वो वन मंथ बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आए जैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो उसकी फीस चार्ज है 4500 रुपये, तो वो उसने इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, यानी एक 4 को लगेगा फिर एक 5 को लगेगा, ठीक हो, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं तो ये सारा इंस्टॉलमेंट बनने के बाद ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर इंस्टॉलमेंट बना देता है उसकी। तो ये फीचर्स आपका बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है, इसमें उसका आई कार्ड बनाना है बनने का, तो आई कार्ड भी इसी से एडमिट कार्ड बना सकते हैं, उसका पूरा कंप्लीट विद बार कोड के आपका आई कार्ड बन जाता है, एडमिशन फॉर्म है तो एडमिशन फॉर्म ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, उसका फोटो वगैरह निकाल, नहीं ये मैनुअली कुछ काम नहीं है, पूरा कंप्यूटराइज हमारा इंस्टीट्यूट मैनेज होगा ये सॉफ्टवेयर को लेने के बाद आपको, और यहाँ से बस उसका रिसीव करना होता है हमको पेमेंट, जैसे उसका इंस्टॉलमेंट देने आया, सपोज करो वो 1-5 को इंस्टॉलमेंट देने आया, यहाँ से 1-5 पर क्लिक किया, इंटर किया, और कौन बंदा था उसका हमने एडमिशन नंबर डाला, इंटर किया एडमिशन नंबर डालने के बाद, और वो 4500 रुपये है, जैसे सपोज करो वो 1000 रुपये देने आया, 1000 उसने इंटर किया, तो यहाँ पूछेगा ये इंस्टॉलमेंट आप जो जमा कर रहे हैं वो कौन कौन से इंस्टॉल, 1000 रुपये 900 रुपये उसकी इंस्टॉलमेंट थी, तो आप 100 रुपये एडवांस और दे रहा है, तो वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में ऑटोमेटिक उसने फीड कर दी, बस इसको कंटिन्यू करना है, ऑटोमेटिकली उसका पैसा आपको रोकड़ में जमा हो जाता है, उसके खाते में भी जमा हो गया, आप उसका लेजर देखेंगे आप स्टूडेंट का, तो उसके लेजर में भी ये ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगा सॉफ्टवेयर से, तो आपको दिखा के मैं दिखा देता हूँ किस तरह से आप उसका लेजर देख पाएंगे, या राम कुमार का आपको लेजर देखना है तो राम कुमार का देखिए, एडमिशन हुआ था उसका 4500 रुपये उसके नाम में ऑटोमेटिकली एडमिशन से ही पड़ गए, उसके बाद इंस्टॉलमेंट आ रही है उसकी, अभी 1000 रुपये आया है, 3500 रुपये बाकी है, तो ये लेजर मेंटेन ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारा इंस्टॉलमेंट मैनेजमेंट फी मैनेजमेंट सिस्टम आप एक बार ज़रूर लीजिए, और इसमें सारा आपका मिनटों में अकाउंट क्लियर हो जाता है, इंक्वायरी एडमिशन फी प्लान सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और अटेंडेंस सारा इसमें दे रखा है, और इसको लेने के बाद आपको लगेगा कि हाँ हमने नई टेक्नोलॉजी से जो सॉफ्टवेयर लिया इसका हमें बहुत ही बेनिफिट मिल रहा है, हमको कोई भी मैनुअल काम नहीं करना पड़ रहा है, सारा कंप्यूटराइज हो गया हमारा काम, और हमको ये भी टेंशन नहीं है कि हमारे कौन से ड्यू हैं, कौन कौन से इंस्टॉलमेंट कलेक्शन है हमारे पास, अभी तक आया है नहीं आया, क्लियर है, तो वो सारा आपको लिस्ट यहाँ पे मिलती रहेगी, बैलेंस मिलते रहेंगे, इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है, सो अंडर ड्यू कौन सा रह गया, तो वो सारा आपको इसमें मिलता रहेगा। दोस्तों धन्यवाद, ये आप सॉफ्टवेयर एक बार डेमो ज़रूर लीजिए, और उसको बाद उसके आपको लाइसेंस वर्जन भी ले सकते हैं। थैंक यू।